पिछले लगभग 15 दिनों से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल तकनीकी समस्याओं के कारण तहसील परिसर में जन सेवा केंद्र में प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया लटकी हुई है। हालांकि संबंध में सेंट्रल फॉर ई गवर्नेंस व एनआईसी के उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। सर्वर के मेंटेनेंस व तकनीकी खराबी के कारण ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कार्य नहीं हो पाने की वजह से सैकड़ों छात्र छात्राओं और शहरवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चल रही समस्या को लेकर सीएससी संचालक देवेंद्र तोमर ने प्रातः दर्पण न्यूज को अवगत कराया। देवेंद्र तोमर जी, सीएससी संचालक हूँ, तहसील सदर आगरा। 5 तारीख से साइट बंद थी जी, परसों साइट चालू हुई है, लेकिन समस्या 15 दिन में तो पूरा टोटली साइट बंद रहा। सभी छात्रों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि साइट तो चालू हो गई है, लेकिन जो पुराना डाटा है ना, वो पूरा लॉस हो गया है। कैम टेक संस्था है जिसके थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट उसका संचालन किया जा रहा है। तो मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। सर, उन्होंने ऐसा अभी कुछ अपडेट नहीं दिया है। बोले थे कि अपडेट आएगी तो हम बताएंगे, लेकिन डाटा अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। सर, इससे पहले के जो सभी सर्टिफिकेट जो बने हुए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो पाएगा उनका। फिर तो वो बेकार ही माने जाएंगे, जब ऑनलाइन शो ही नहीं करेंगे फिर तो वो बेकार हो गए सभी, सबको दोबारा बनवाने पड़ेंगे। इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सभी छात्र छात्राओं को। यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द डाटा रिकवर हो जाए, हमें भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जो छात्र छात्र परेशान हो रहे हैं उनकी भी परेशानी सॉल्व हो जाए। शिव सिंह, मैं बोधला से आया हूँ। मैंने जाति प्रमाण पत्र बनवाने को डाला था दिसंबर 28 को जी, और अभी तक मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। ये बता रहे हैं कि डाटा लॉस हो गया है जो रिकवर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं तो यहाँ चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुका हूँ, चौथी बार आया हूँ जी। जल्दी से जल्दी डाटा रिकवर हो और आमजन की समस्याओं का समाधान हो।